Hi, this is Khushboo with another question of triangles. This is example number 48, page number 4.70 from Adi Sharma. Says in triangle ABC, DE is parallel to base BC. ABC triangle mein, ye triangle hamara ABC. This is A. This is B, C. DE is parallel to BC. BC के parallel है DE. ये हमारा D है BE. D AB पर है, E is on AC, ठीक है. AD by DB, AD upon DB हमें given है 2 upon 3. Find BC upon DE क्या आएगा? तो सबसे पहले हमें इसमें ये given है कि AD upon DB 2 by 3 है और ये line इसके parallel है, right? तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि DE इज पैरेलल टू BC और AD बाय DB इक्वल है 2 बाय 3 के. टू प्रूफ हमें फाइंड करना है BC बाय DB. प्रूफ नाउ, सबसे पहले हमारे पास हम ट्राइंगल ले रहे हैं एबीसी में, ये लाइन इसके पैरेलल है. इन ट्राइंगल एबीसी हमें गिवन है कि डीई इज पैरेलल टू बीसी, ये गिवन है. जब ये गिवन है तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहती है कि दिस अपॉन दिस के रेशियो इक्वल हो जाता है. सो बाय थेल्स थ्योरम हमारे पास रेशियो हो सकता है AD upon AB is equal to AE upon AC. ये रेशियो इक्वल हो सकता है AD upon AB is equal to AE by AC. इस रेशियो को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि AB by AD रेसिप्रोकल करके is equal to AC by AE. Now अब अगर मैं ये वाला ट्राइंगल एबीसी और ये ट्राइंगल एडी को सिमिलर करूं, तो इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एडीई, दोनों ट्राइंगल्स में हमारे पास क्या है, इन दोनों ट्राइंगल्स में एडीई में छोटे में और बड़े वाला एबीसी में ये एंगल ही कॉमन है. तो हम लिख सकते हैं यहां पर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये हमें दिया हुआ है इनमें कॉमन. एंगल ए एंगल ए के इक्वल है और ये ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी बाई ए, ए सी बाई ए इन्हीं ट्राइंगल्स में आ रहे हैं. ये रेशियो भी हमारे पास आ सकता है, हम लिख सकते हैं इसमें ए बी बाय ए डी इज इक्वल टू ए सी बाय ए ई. सो इसको दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, यहां हम रीजन दे देते हैं फ्रॉम फर्स्ट. देयरफॉर ट्राइंगल एबीडी सिमिलर हो गया ट्राइंगल एडीई के. रीजन क्या देंगे हम इसमें, एस ए एस साइड एंगल साइड, एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया. Now, yeah. अब जब ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हैं तो हमारे पास ये वाला रेशियो ए बी अपॉन ए डी इक्वल हो सकता है बी सी बाय डी ई के, क्योंकि इसके तो इक्वल है ही. इसमें और बड़े वाले ट्राइंगल में ये वाली भी आ रही है बी सी अपॉन डी ई, जैसे कि ए बी बाय ए डी था, सेम वे हम ये भी ले सकते हैं. देयरफॉर ए बी बाय ए डी इज इक्वल टू बी सी बाय डी ई. इसको ले लेते हैं हम सेकेंड इक्वेशन. ये हमारे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन. अब क्वेश्चन में हमें गिवन था AD by DB is equal to 2 by 3. अब AD by DB 2 by 3 गिवन था. अब इसको यूज कैसे करेंगे, पहले हम इसको रेसिप्रोकल करते हैं. तो बन जाएगा BD by AD, अगर ये रेसिप्रोकल होगा तो राइट हैंड साइड भी रेसिप्रोकल होगा, वो बन जाएगा 3 by 2. अब बोथ साइड हम 1 ऐड करते हैं, तो एडिंग 1 बोथ साइड्स
तो ये क्या बन जाएगा, बी डी अपॉन ए डी प्लस वन इज इक्वल टू थ्री बाय टू प्लस वन. सो ये यहां से आएगा हमारे पास. इसके एलसीएम आता है हमारे पास ए डी, तो ऊपर बनेगा बी डी प्लस ए डी इज इक्वल टू थ्री बाय टू में जब वन ऐड किया तो ये बना थ्री प्लस टू बाय थ्री. सो बी डी प्लस ए डी, यहां से बी डी प्लस ए डी बन गया ए डी बाय ए डी, थ्री प्लस टू इज फाइव बाय थ्री. तो ए डी बाय ए डी का वैल्यू हमारे पास आ रहा है फाइव बाय थ्री. अगर ए बी बाई ए डी फाइव बाई थ्री है तो यहां पर हमने जो निकाला है बी सी बाई डी ई, ये वैल्यू भी होगा फाइव बाई थ्री. तो देयरफॉर फ्रॉम सेकेंड बी सी बाई डी ई इज इक्वल टू फाइव बाई थ्री, ये आ गया हमारे पास वैल्यू. अगर बी सी बाई डी ई का वैल्यू निकालना था तो उसको हमने यहां से फाइंड कर लिया. सो सबसे पहले हमने जो लाइन्स पैरेलल थी इससे रेशियो निकाला, छोटे और बड़े ट्रायंगल को सिमिलर किया, जिससे हमने इस वाली साइड्स के रेशियो को इन वाली साइड्स के रेशियो को इक्वल किया. उसके बाद हमने जो ये रिलेशन गिवन था इसमें एडिंग ऑन बोथ साइड्स करके इसका रेसिप्रोकल करके जो वैल्यू निकाला वो इसके इक्वल आ था, जिससे हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई. दिस वॉज एग्जाम्पल नंबर 48 फ्रॉम आदि शर्मा. कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है प्लीज टू राइट टू अस, जो नीचे स्पेस गिवन है उस पर लिखिए और हमें बताइए. एंड डू सब्सक्राइब अस. गुड बाय.